दोस्तों नमस्कार, आई एम रेकी ग्रैंड मास्टर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट मगन सिंह फ्रॉम महेंद्रगढ़ हरियाणा। यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल कानोडिया आयुर्वेद। दोस्तों आपका कानोडिया आयुर्वेद में स्वागत है। दोस्तों मैं हर रोज आपको एक नई जड़ी बूटी, प्रकृति की एक नई वनस्पति, अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों की मैं जानकारी देता रहा हूं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, लेकिन हम इनको जानते नहीं, इनके महत्व को नहीं जानते। हम इनको या तो खरपतवार समझते हैं या इनको रोजमर्रा की सब्जी वगैरह या इतना ही आप उनको समझते हैं, लेकिन उसके अंदर उनके अंदर गुण क्या क्या हैं वो उनके अंदर, दोस्तों आप जो दवाई लाखों रुपए की अंग्रेजी दवा खाते हैं उनसे कई सौ गुना ताकतवर वो जड़ी बूटियां हैं। ऐसी ऐसी वनस्पतियां हैं जो अंग्रेजी दवाइयों से काफी ज्यादा कारगर हैं, लेकिन हमें उनका जानकारी नहीं है, उनके फायदे के बारे में जानकारी का अभाव है। किस किस बीमारी में क्या जड़ी बूटी इस्तेमाल की जाती है ये हम जानते नहीं है। दोस्तों मैं ऐसी ही जानकारी के वीडियो हर रोज आपके लिए लेकर आता हूं। मैं विश्वास है मुझे आप वीडियो को देखकर इनका फायदा जरूर उठाएंगे और लोगों को मेरे वीडियो शेयर करेंगे ताकि और भी भाई बहन इसका फायदा उठा सकें। दोस्तों मैं आपके लिए हर रोज इतनी जानकारी, बहुत मेहनत से अनेक प्रकार की जानकारी लेकर आता हूँ, आपको जानकारी देता हूँ, तो इतना भी दोस्तों आपसे मेरा ये हक बनता है, मैं आपसे सहायता ले सकता हूँ। आप अगर मेरी सहायता करेंगे तो मैं और ज़्यादा और क्षमता से और ज़्यादा अच्छी अच्छी जानकारियाँ, चाहे मैं मुझे कहीं से भी जानकारी लेके आनी पड़े, मैं आपको जानकारी ज़रूर दूंगा। इसलिए आप मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें और ताकि आप मेरा उत्साह और अधिक बढ़ेगा। दोस्तों आज ऐसी ही एक जड़ी बूटी का मैं आपकी जानकारी देने के लिए आज आया हूँ। हम जो दोस्तों रोजाना घर में यूज करते हैं, घर में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोस्तों हम इसको केवल एक मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसकी फायदे क्या हैं वो नहीं जानते, हम केवल इसको मसाला समझते हैं। दोस्तों ये मसाला नहीं, ये एक बहुत बड़ी एक जड़ी बूटी है। दोस्तों आप ये देख रहे हैं, अब ये मेरे हाथ में है, ये हल्दी, टर्मरिक, जिसको आप मसाला के रूप में आप इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये बहुत चमत्कारी एक जड़ी बूटी है, प्रकृति की दीवी, और आपके हर घर के पास में आप इसको पैदा भी कर सकते हैं, घर में भी उगा सकते हैं। अपने पूरे साल भर की हल्दी को आप थोड़ी सी दूर में, आप इतनी बहुत अधिक मात्रा में लगती है, जैसे अदरक बनती है, लगती है नीचे पेड़ पे जड़ में, ऐसे ही ये कंद है, ये हल्दी भी अदरक की तरह होती है सेम। ये कच्ची हल्दी इसको सुखा करके बाद में प्रोसीजर के द्वारा इसको सुखा करके पाउडर बना करके हम इसको मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों जब ये कच्ची होती है तो सेम अदरक होती है, जैसे ये आपको ये दिखाई दे रहा है ये कच्ची हल्दी है। मैं इसको आपको काट के दिखाता हूँ, ये देखो आप इसको काटेंगे चाकू से ये बहुत ही अदरक की तरह कट जाएगी, और आप देखेंगे तो देखो दोस्तों ये पीला कलर आपको दिखाई देगा। इसको एक प्रक्रिया के द्वारा इसको सुखाया जाता है और बाद में इसका पाउडर बनाया जाता है, उसके रूप में हम जो मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अब इसके मैं आपको फायदे बता देता हूँ, इस हल्दी के प्रयोग हमें किन किन बीमारियों में ये काम आती है, कितने हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। दोस्तों सबसे पहले ये एंटीऑक्सीडेंट से भरी हुई है, हमारे ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, एंटीसेप्टिक है, हमारे कीटाणुओं को शरीर में इन्फेक्शन अगर कहीं है शरीर में तो इस इन्फेक्शन को भी ये खत्म करती है। आंतों में इन्फेक्शन है या शरीर पे जख्म है, आप उस जख्म पे भी हल्दी का पाउडर लगाएंगे तो उसका इन्फेक्शन खत्म करेगा। आपके
आंतों के अंदर इन्फेक्शन है तो ये आपकी आंतों का इन्फेक्शन दूर करेगा। आपके लीवर किडनी में कहीं इन्फेक्शन है तो उसमें भी ये लीवर का, किडनी का, आंतों का, पूरे पाचन तंत्र में, या शरीर की कहीं नसों में इन्फेक्शन है, ब्लॉकेज है, उस ब्लॉकेज को खोलने का काम भी ये हल्दी बहुत ही एक उत्तम आयुर्वेदिक एक औषधि है दोस्तों। दूसरा इसका ये मैं बताऊं, इसको कैंसर का जो कोशिकाएं होती हैं, कैंसर का कोशिकाओं को मारने की क्षमता इस हल्दी के अंदर है दोस्तों। हमें कैंसर की कोशिकाओं को ये पनपने नहीं देता। अगर हम हमारा नियम से स्वस्थ स्वास्थ्य के हिसाब से हमें सही एक नियम अनुसार हम खान पान कर रहे हैं और किसी भी चीज़ की लापरवाही ना कर रहे हैं, जो शराब वगैरह, ड्रिंक वगैरह, ऐसी चीज़ें हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, धूम्रपान वगैरह, तो हमें कोई भी कैंसर हमारे शरीर में नहीं होगा। अगर कोई छोटी मोटी कैंसर की कोशिकाएं उभरती हैं तो उनको ये ऐसे हमारे प्रकृति की दी हुई ये चीज़ें उनको पूरी खत्म करने की ये क्षमता रखता है दोस्तों। ये जैसे इन्फेक्शन का, जैसे हमारे चेहरे पे फोड़ा फुंसी हो जाता है, तो दोस्तों इसका पाउडर को हमें एलोवेरा के जेल में इसको मिला करके, उसकी एक मल्लम सी बना करके अगर हम चेहरे पर लगाते हैं तो हमारे चेहरे पर पिंपल्स, फुंसियाँ, फोड़े या ये काली स्किन पड़ जाती है, काले धब्बे चेहरे पर है, उनको पूरी तरह से ये पूरी तरह से उनको ठीक करेगा और आपकी त्वचा को सुंदर चमकदार बनाएगा दोस्तों। पाचन तंत्र के लिए बहुत ही ये का अच्छा है, हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, भूख को बढ़ाता है, खाने को हजम करने में ये हल्दी बहुत कारगर काम करती है दोस्तों। इसके अंदर खून को ये साफ बहुत ही अच्छे तरीके से करता है। हम क्या कर रहे हैं इसके लिए, रात को आप सब सोते हैं, एक गिलास दूध के अंदर आप थोड़ी अगर आपके पास ये कच्ची हल्दी नहीं है, पाउडर के रूप में है, तो 2 ग्राम आप उसके अंदर, एक गिलास दूध के अंदर और 1 इंच का ये अदरक का टुकड़ा कूट करके उस दूध के अंदर डाल करके उसको बॉयल करके आप पी के सोएंगे तो आपके शरीर के जोड़ों का दर्द, गठिया का दर्द, शरीर की नसों में जो भी ब्लॉकेज है, सारा ब्लॉकेज को खोलेगा, सारे दर्द को आपका ये दूर करेगा। ये बहुत ही ये इसमें ये दर्द नाशक एक दवा है ये दोस्तों। तो और इसका जो इसके अंदर ऐसे ऐसे केमिकल तत्व है जो हमारे दिमाग में टेंशन होती है, स्ट्रेस होती है, चिंता फिक्र से या कोई और वजह से नींद नहीं आती, तो दोस्तों इस हल्दी का प्रयोग आप करेंगे, हल्दी को पानी में डाल करके 1-2 ग्राम अगर आप उसको पियेंगे तो आप ताजगी महसूस करेंगे और आपके टेंशन, मन के अंदर शांति मिलेगी, आपके दिमाग की स्ट्रेस को ये पूरी तरह से कम करेगा दोस्तों। मूत्र के लिए, मूत्र में अगर इन्फेक्शन है, किडनी में इन्फेक्शन है, मूत्राशय में इन्फेक्शन है, तो दोस्तों ये आपके मूत्र मार्ग को पूरी तरह से साफ करेगा, क्लेंज करेगा, मूत्र खुल कराएगा और उसके अंदर जो भी इन्फेक्शन है उसको पूरी तरह से ये इन्फेक्शन को खत्म करेगा। ये दोस्तों वात, पित्त, कफ तीनों का नाश करने वाला ये औषधि है। हमारे पाचन तंत्र में हमें गैस बनती है, तेजाब बनता है, हमें कफ आता है दोस्तों। कफ के लिए ये बहुत ही रामबाण औषधि है। अगर किसी को दमा है, खांसी है, तो उनको इस हल्दी का 1 चम्मच शहद के साथ इस्तेमाल करेंगे और अदरक के साथ इस्तेमाल करेंगे तो उनका कफ पूरी तरह से कफ साफ हो जाएगा, सांस खुल करके आएगा और आपके फेफड़ों की ये पूरी तरह से, ये फेफड़ों की नलिकाओं में, नसों में जो भी ब्लॉकेज है, कफ है, उसको पूरी तरह से साफ करेगा और हमें पूरी ऑक्सीजन मिलेगी और हमारे फेफड़े पूरी तरह से स्वस्थ होंगे दोस्तों। ये
लीवर को पूरी तरह से जैसे हमें पीलिया हो जाता है तो उसमें हम इसका 1-2 ग्राम पानी में डाल करके हम पिएंगे, या एलोवेरा के जेल के साथ हम लेंगे, या गिलोय के रस के साथ इसको और लेंगे, तो ये हमारे लीवर को साफ करेगा। लीवर को के अंदर जो इन्फेक्शन है वो पूरी तरह से आपके इन्फेक्शन को ये ठीक करेगा। दोस्तों वैसे तो और भी इसके फायदे बहुत ज़्यादा है, तो आज मैं इस हल्दी के इतने ही ये बताऊंगा। आप इन तरीकों को देखें, जानें और इसके प्रयोग अनेक प्रकार के और भी तरीके से हम इसको अलग अलग तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। हम इसको कच्चे को हम कूट करके इसका दूध में डाल करके या पानी में इसको डाल करके इसका रस पी सकते हैं, इसका पानी के साथ दूध के साथ पी सकते हैं, और इसका लिक पेस्ट बना करके 1 चम्मच शहद के साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे फेफड़ों में, हमारे हार्ट के लिए दोस्तों बहुत अच्छी ये औषधि है। हमारे हार्ट में अगर कोलेस्ट्रॉल जमा है, फैट बढ़ा हुआ है, हमारे हार्ट की नसों में फैट है या रुकावट है, तो उसको ये दोस्तों साफ करने का पूरा कार्य करेगा और आपके हार्ट की कार्य क्षमता को ये बढ़ाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।